तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मुयान ने अपनी लॉयल्टी को साबित कर दिया था। असल में हुआ कुछ नहीं था, बस एक दूसरे पवेलियन का लड़का मुयान को 3 गुना ज्यादा पैसे देने को तैयार था, क्योंकि उसे मुयान की पावर पसंद आई थी। लेकिन मुयान कह देता है कि नहीं, बाओ ने मेरी जान बचाई थी, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता, मैं यहीं पर काम करूंगा। अब ये चीज देखकर बाओ बहुत ज्यादा शॉक थी, लेकिन उसे भी भरोसा हो गया था कि मुयान एक विश्वास करने लायक आदमी है। वो मुयान से कहती है कि अब तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, से तुम मेरे साथ रह सकती हो। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से होती है। हम देखते हैं कि मुयान फर्स्ट फ्लोर पर जा चुका था, वो अभी कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। तभी उसे आवाज आती है, ये आवाज बाओ की थी। वो कह रही थी कि तुम वहाँ बाहर क्यों खड़े हो, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर आ सकते हो। इसके बाद मुयान अंदर आ गया था। वैसे वो कह रहा था कि मैं तो एक बॉडी गार्ड हूँ, आप अपने पर्सनल कमरे में मुझे क्यों बुला रही हो। वैसे अंदर आकर वो देखता है कि बाओ तो वहाँ नहा रही है। उसने कुछ नहीं देखा था, लेकिन वो कह रहा था कि मैं तो आपका गार्ड हूँ, आप ऐसे वैसे पर्सनल काम मुझसे नहीं करा सकती हो। ये बात सुनकर बाओ शॉक थी। वो कहती है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में तुम अब मेरे गार्ड हो, इसलिए तुम मेरी रक्षा करनी होगी, और वैसे भी हमला तो कहीं से भी हो सकता है ना। ये बात सुनकर पहले तो मुयान थोड़ा रिलैक्स फील करता है, उसके बाद कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। वैसे अब बाओ बस उसे कमरे में जाने कह देती है, और अब वहाँ कमरे में जाकर मुयान मन में सोच रहा था कि सच में मुझे ये बाओ के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी उसने मुझे यहाँ रहने दिया, आखिर को इतनी आसानी से किसी पर भरोसा कैसे कर सकता है। वो मन में कह रहा था कि बाओ तियानवा पवेलियन की यंग मास्टर, यानी कि एक तरह से होने वाले फ्यूचर मास्टर है। क्या होने वाला मास्टर इतना बेवकूफ क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि इसके पीछे उसे कोई सोच समझी चाल है, या फिर कुछ तो बात है। अब हीरो वहीं बैठ गया था और सोच रहा था कि अभी समय तो तियानजियान माउंटेन वापस लौटना मेरे लिए नामुमकिन है। साथ ही वो ये भी सोचकर परेशान था कि अगर वो यहाँ से लौट जाता है तो इस चीज से बस तियानजियान माउंटेन पर उसके दुश्मनों का हमला करना स्टार्ट हो जाएगा, और अब तो उसके दुश्मन थोड़े और बढ़ गए हैं, जिस चीज से तियानजियान माउंटेन खतरे में भी आ सकता है, क्योंकि अभी तो सभी को यही लगता है कि मुयान मर चुका है, इसलिए उन्हें अभी तियानजियान माउंटेन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मुयान को जिंदा देखकर वो लोग फिर से गुस्सा होकर हमला करना स्टार्ट कर देंगे। वैसे वो अभी ये भी सोच रहा था कि वो 3000 वर्ल्ड में है, और बाओ को तो यहाँ की बहुत इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए अगर वो चाहे तो सभी लोग जो जो मिसिंग है उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है, तो ये उसके लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला था। लेकिन उसी समय उससे आवाज आती है कि मुयान वो मेरा पजामा रखा हुआ है, जरा देखना। तो अब मुयान ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक था, और फिर वो उठता है, टेबल पर से पजामा उठाता है और ले जाकर बाओ को दे देता है। मुयान कह रहा था कि ये मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। अब वो वापस वहीं आकर बैठ गया था और टाइम पास कर रहा था। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बाओ वहाँ बाहर आ जाती है, वो सामने आकर वहाँ लेट गई थी, और अब वो मुयान से कह रही थी कि आज हमें पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन पहली बार हम बात कर रहे हैं, तो बताओ तुम्हें क्या करना पसंद है और आज तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर रोज रोज तो हमला होता ही है, क्योंकि तुम मुझे रोज प्रोटेक्ट करते रहो, इससे तुम्हारे कुछ तो प्लान होंगे ही। मगर अब मुयान कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, जिसके बाद बाओ कहने लगती है कि ठीक है तो फिर मेरी लेस मसाज कर दो। ये बात सुनकर मुयान बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर वो क्या कहे, लेकिन फिर वो थोड़ा सोच समझ कर वो कहता है कि एक बॉडीगार्ड ये काम थोड़ी करता है। लेकिन फिर बाओ बैठ जाती है और फिर कहने लगती है कि तुम बॉडीगार्ड नहीं बल्कि मेरे पर्सनल गार्ड हो, इसलिए तुम्हें ये सारे काम भी करने होंगे, और वैसे भी मैं बाहर किसी को ढूंढने क्यों जाऊँ जब तुम यहीं पर हो। तो अब मुयान सब कुछ समझ रहा था और उसे याओ और यूनर की याद आ रही थी। वो मन में कहता है कि मैं यूं तुम्हें धोखा थोड़ी दे सकता हूँ, और फिर वो वहाँ सामने बैठ जाता है। बाओ उसे कह रही थी कि सच में पूरे दिन काम करके मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम यहीं पर हो। और फिर वो मुयान की तरफ अपना पैर बढ़ाती है। अब मुयान उसके पैर दबाने लगा था, वो कुछ भी नहीं कह रहा था, यहाँ तक कि वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। ये चीज देखकर बाओ बहुत ज्यादा शॉक थी। वो मन में कहती है कि लड़का सच में स्टेबल है, लेकिन इसके बाद वो अपना थोड़ा लेवल बढ़ा देती है और आगे बढ़ जाती है। लेकिन मुयान को अंदर अंदर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि बस बहुत हुआ, अब सच सच बताओ तुम ये सब मुझे टेस्ट करने के लिए कर रही हो ना, तुम सिर्फ चेक करना चाहती हो कि मुझ पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं। अब ये सुनकर बाओ शॉक थी और अब वो तुरंत पीछे हो गई थी। वो मन में सोचती है कि हाँ, कि ये उस तरह का लड़का नहीं है। अब मुयान कहने लगता है कि देखो, अगर तुम्हें कुछ भी क्वेश्चन पूछने हो तो तुम मुझसे खुलकर पूछ सकती हो, मैं सभी का जवाब दूंगा। लेकिन बाओ कहती है कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सच में मुयान हो या नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने चेहरे को ढककर रखना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो एक मास्क निकाल कर मुयान को दे देती है। वो कहती है कि ये ऐसा वैसा मास्क नहीं है, इसे लेवल 5 के होली बीस्ट के स्पेशल बॉडी से बनाया है,
टेन लेवल का इमोर्टल कल्टीवेटर भी पता नहीं लगा सकता कि असल में मास्क के पीछे कौन है। जो कि ये मास्क सिर्फ चेहरा नहीं छुपाता बल्कि ब्रीदिंग सेंस को भी बदल देता है, इस वजह से पता लगाना मुमकिन है कि इसे पहनने वाला कौन है। अब मास्क की तारीफ सुनकर मुयान मास्क ले लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा शौक था। वो तुरंत ही कहता है कि इसका मतलब तुम्हें पहले से पता था कि मैं कौन हूँ, तो इस चीज पर बाओ कहती है कि हाँ। जिसके बाद मुयान कहने लगता है कि तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरे होने से तुम्हें ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सभी पवेलियन तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगी। लेकिन बाओ कहती है कि मुझे उनसे डर नहीं लगता। इसके बाद मुयान उनसे थैंक यू कहता है, लेकिन बाओ कहती है कि तुम्हें थैंक यू कहने की अभी कोई जरूरत नहीं है, ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब तुम यहीं पर रहने वाले हो। मुयान कहता है कि ठीक है, मगर इसके बाद वो और कुछ भी बता रही थी और मुयान से कह रही थी कि अब आगे जाकर तुम्हें थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा क्योंकि हम दूसरे आइलैंड और दूसरे पवेलियन के लोगों से मिलने वाले हैं। वैसे तो ठीक है, जो ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है उसे उतना एटीट्यूड दिखाना चाहिए, लेकिन इस चक्कर में एटीट्यूड में कोई गलती मत करना क्योंकि अब हम बहुत पावरफुल फोर्सेस से मिलने वाले हैं। हमारा तियानवा पवेलियन सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, इस वजह से हमें थोड़ा देखकर और संभल कर चलना पड़ता है। मुयान कहता है कि ठीक है, मैं सबका ध्यान रखूंगा। और इसके बाद ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आप सभी, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।